بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. चौथा बाब है, आयत नंबर 35 से लेकर आयत नंबर 47 तक, 47 तक। इसमें दो मिसालों का बयान है और फिर कुछ दलाइल का बयान है तौहीद पर। पहले नूर और अहले नूर की मिसाल है, फिर जुलुमात की मिसाल है, और फिर इस नूर पर जो कि तौहीद का नूर है, इस पर जो है वो दलाइल का तज़किरा है। तो अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह जो है वो आसमानों और ज़मीनों का नूर है। मथलु नूरी ही, और उस नूर की मिसाल के जो अल्लाह अता करता है, कमिश्कातिन एक चराग, एक ताक की सर चीज ये है। हमने पढ़ लिया था ना, आप दोबारा जी रिपीट करने के लिए जी पढ़ जी लें। मुझे इल्म है, जी मुझे इल्म है। जी सर जी कमिश्कातिन एक ताक की है कि फीहा मिसबाह, के जिसमें एक चराग हो, और अल मिसबाह हो, और यही चराग जो कि ताक में है, फी जुजाजतिन एक शीशे में हो, और अज जुजाजतु ये शीशा, का अन्नहा कौकबुन दुर्रीयुन होया के एक चमकता हुआ तारा है, और यू कदू, और ये जो चराग है ये जलाया जाता है, मिन शजरतिन मुबारकतिन उस मुबारक दरख्त के तेल से, के जैतूनतिन जो जैतून का दरख्त है, ला शर्कियतिन वला गर्बिया ना ही मशरिक की जानिब है ना ही वो मगरिब की जानिब है, यकादु जैतुहा युदीउ और करीब है कि उसका तेल वही रोशन हो जाए, वलौ लम तमसस हुनार और अगरचे अभी तक उसको आग ने छुआ ना हो, तो नूरुन आला नूर अगर आग छू ले तो फिर तो नूर नूरुन आला नूर है, रोशनी पर मजीद रोशनी है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है उसकी रहनुमाई कर देता है, वयदरिबुल्लाहुल अमथाल लिन्नास और अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के लिए मिसालों को बयान करता है, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शय को जानने वाला है। ये बात बयान हुई थी कि इस आयत में जो मिसाल बयान हुई है वो उस नूर की मिसाल है जो कि एक मोमिन के कल्ब में मौजूद होता है। तो मिशकात ताक से मुराद इंसान है, इंसानी बदन है, और मिसबाह उसमें जो चराग है, उस ताक के अंदर जो शीशा है वो शीशा इंसान का सदर है, इंसान का सीना है, और उस सीने में जो चराग है वो चराग इंसान का कल्ब है, और फिर कल्ब के अंदर जो इस्तेदाद है, इस्तेदाद और फितरत, वो इंसान की, वो ये जैतून का तेल है, और इस इस्तेदाद के जरिए ईमान को कबूल कर लेना और फिर ईमान के साथ अमल सालेह का मिल जाना, ये फिर नूरुन आला नूर है। तो यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, इस नूर की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी चाहता है उसकी रहनुमाई फरमा देते। अब ये चराग जो है इसकी जगह क्या है, ये ताकचा है किधर, ये नूर हासिल कहाँ से होता है? तो फी बुयूतिन, ये उन घरों में है कि अज़ीन अल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़्कर फी हस्मु, के जिन घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनकी उनको बुलंद किया जाए, माना यह है कि उनकी कदर व मंजिलत को बुलंद किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, वयुद का रफ़ी हसमू हूँ और उन घरों में अल्लाह के नाम को जिक्र किया जाए, अल्लाह का जिक्र हो, युसब्बिहु लहू अल्लाह के लिए तस्बीह बयान करते हैं, माना है कि नमाजों को अदा करते हैं, फी हा इन घरों में, इन बुयूत में, बिल गुदुव्वी वल आसाली
हर सुबह और शाम के औकात में रिजालुन, ऐसे लोग, इन घरों के अंदर सुबह और शाम के औकात में ऐसे मर्द जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और माना नमाज का भी माना है, क्योंकि ये तस्बीह का माना नमाज के माना में, नवाफिल के माना में अक्सर इस्तेमाल होता है, और कभी जिक्र का माना भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि नमाज बजाते खुद जिक्र है। तो जिक्र का लफ्ज जो है वो जब हम बोलते हैं तो बाज दफा हमारे जहन में सिर्फ यही आता है कि शायद उंगलियों पर जिक्र करना या तस्बीह पर कोई अल्लाह के नाम का जिक्र तस्करा करना। हालांकि जिक्र का लफ्ज आम है, इसमें कुरान की तिलावत भी जिक्र में शामिल है, नमाज भी जिक्र में शामिल है, और मुख्तलिफ मवाके की जो दुआएं और अजकार हैं जिनको आप पढ़ते हैं सोने से पहले, उठने के बाद, खाने से पहले, बाथरूम जाते हुए, मस्जिद जाते हुए, घर से निकलते हुए, घर में दाखिल होते हुए, ये सब चीजें जो है ये जिक्र में शामिल है, ठीक है, और नमाज भी जिक्र में शामिल है। तो युसब्बिहु लहू फीहा, इन घरों में अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, बिल गुदुव्वि वल आसाली, सुबह और शाम के वक्त में, रिजालुन, ऐसे लोग, ऐसे मर्द, के ला तुलहीहिम, उनको गाफिल नहीं करती है तिजारत, उनकी तिजारत, वला बैउन, ना ही उनके सौदे, अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र से गाफिल करते हैं, ना ही व इकाम सलाती व ईता इज़्ज़काती, नमाज को कायम करने और जकात को अदा करने से। यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, ये रिजाल जो हैं ये उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन इंसानों के दिल और उनकी आंखें उलट पुलट हो जाएंगी उस दिन की हैबत की वजह से। और ये ऐसा क्यों करते हैं? लियजियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, ताकि अल्लाह ताला इनको इनके बेहतरीन अमाल का बदला दे दे, व यजीदहुम मिन फजलिह, और अपने फजल से और भी बढ़ा दे, वल्लाहु यरजुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क अता कर देता है। अब अहले जुलुमात में से पहली मिसाल है, ये मिसाल या तो मुशरिक के उन आमाल की है जो आमाल बज़ाहिर अच्छे हैं, ये मिसाल मुशरिक के उन आमाल की है जो आमाल बज़ाहिर अच्छे हैं, या फिर एक ऐसे मुशरिक की मिसाल है या एक ऐसे काफिर की मिसाल है जो कि कुफर के अंदर सरदार है, लोग उसकी पैरवी करते हैं, कुफर के अंदर भी तमाम लोग एक दर्जे के तो नहीं होते, बाज लोग होते हैं जो उनके लीडर्स होते हैं, और बाज लोग होते हैं वो सिर्फ चुप करके पीछे चलने वाले होते हैं, ठीक है। तो या तो ये मिसाल ऐसे मुशरिक की है कि जिसकी कोई नेकियां मौजूद हैं, मुशरिक के नेक आमाल जो बज़ाहिर अच्छे काम है उनका, उनकी मिसाल है, या फिर ये मिसाल किसकी है? उस शख्स की जो कि काफिर है लेकिन वो लीडर है, लीडर है, समझ आ गई? जी सर, जी, वल्लदीन कफरू, और वो लोग जो के काफिर हैं, अमालुहुम, उनके अमाल, उनकी मिसाल क्या है? कसराबिन, एक शराब की मानिंद है। शराब जानते हैं क्या होता है? जी सर, जी, बाकी भी बता दें। जी सर, जो देखने में कुछ और लोग, असल में कुछ और होता है और देखने में कुछ और लगता है। जी सर, हाँ, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसका क्या नाम होता है जानता है कोई? ऑयसिस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं मेरे जहन से निकल गया क्या इसको कहते हैं। बहरहाल ये एक जो है ना इल्यूजन होता है, हकीकत में कोई चीज नहीं होती। इल्यूजन मतलब आप देख रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि वहां पर पानी है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर कोई भी पानी का नामो निशान भी नहीं होता। अक्सर ये मोटरवे पर सफर करते हुए भी अक्सर इस तरह जो है ना वो दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं शराब। तो वल्लजीन कफरू अमालुहुम, वो लोग जो काफिर हैं उनके अमाल की मिसाल, का सराबिन, एक शराब की मानिंद है, कि बिकीअतिन, जो चटियल मैदानों में हो, चटियल मैदान बिल्कुल साफ शफाफ जो है वो एक लंबा चौड़ा मैदान है जिस तरह रेगिस्तान होता है, और उसमें एक सराब है, और यह सबहु जमआनु माआ, और जो प्यासा है, अज़्ज़मआन प्यासा, वो उसको गुमान करता है कि ये पानी है। एक बड़ा सा मैदान है, उसमें एक प्यासा शख्स है, वो दूर देखता है, उसको ऐसे लगता है कि वो वहां पर पानी का एक जखीरा है,
हत्ता इदा जाअहू, यहाँ तक कि जब ये प्यासा शख्स उस शराब के पास पहुंचता है तो लम यजिदहू शैआ, वो कुछ भी नहीं होता, वहां पर कुछ है ही नहीं, वहां पर उसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ववजद अल्लाह इंदहू, और उधर वो अल्लाह को पाता है, फवफ्फाहु हिसाबहु, अल्लाह उसके हिसाब को चुका देता है, वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो ये मिसाल किसकी है, ये मिसाल मुशरिक के बजाहिर जो नेक आमाल है उनकी है, या काफिर के जो बजाहिर नेक आमाल है, मिसाल के तौर पे ये एनजीओज वगैरह जो खैराती काम करते हैं, आपको पता है कि बहुत बड़ा बड़ा चैरिटी का वर्क करते हैं ये लोग जो ये मैं कुफार की बात कर रहा हूं। तो ये जो कुफार का जो अमल है ना, इसकी मिसाल ये इसलिए है कि कुफार का अमल उनको आखरत में कोई फायदा नहीं देगा, कुफार का अमल उनको आखरत में कोई फायदा, जी समझ आ गया है। जी सर, अच्छा, दुनिया के अंदर काफिरों का अमल जो है वो उनको कोई फायदा देता है? मेरी सर क्या आपकी बात ही गलती समझ है नहीं सर? रही, दुनिया के अंदर काफिरों के जो अमाल हैं वो दुनिया में कोई फायदा देते हैं? जी सर, दुनिया में तो नहीं, नाम मेरे रहता ख्याल है में ना लोग। देते हैं। हाँ, दुनिया में जो है वो कुफार के अमाल उनको फायदा देते हैं, अलबत्ता आखरत में जो है वो, आखरत में इनका कोई फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। दुनिया में फायदे की मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर कोई काफिर अगर कोई नेक अमल करता है तो उसकी वजह से मुमकिन है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, उसकी वजह से मुमकिन है कि वो किसी आफत और मुसीबत से बच जाए। ये इस तरह के जो फवायद, दुनियावी फवायद हैं, वो कुफार को भी उन दुनिया के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई? जी शेख, हातिम ताई भी था, उसका भी नेक नाम उसकी रहेगी दुनिया में, लेकिन आखिरत में नहीं उसको सिला हाँ मिलेगा, बिल्कुल, ये तो एक आई एक सूरत है गेस। ना नेक आमाल की, के मतलब बदले की, के उसकी एक नेक नामी सखावत जो है वो मारूफ हो गई। लेकिन इसके अलावा भी जो दुनियावी फवायद होते हैं नेक आमाल के, वो काफिरों को भी मिल जाते हैं। कुरान मजीद में इस माना में कई आयात हैं। तो हत्ता इदा जाअहु लम यजिदहु शैअन फवजद अल्लाह इंदहु फवफ्फाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये या तो मैंने कहा कि ये उस मुशरिक की मिसाल है जिसके कुछ नेक आमाल और हसनात हैं, या फिर ये उस काफिर की मिसाल है जो कि कुफर के अंदर सरदार की हैसियत रखता है, या जो लीड करने वाला है, लीडर है। तो वो जो लीडर होता है वो बहरहाल किसी ना किसी चीज को समझ रहा होता है कि ये हक है, वो किसी ना किसी चीज को जो है ना उसने एक मंजिल मकसूद अपना समझा होता है, लेकिन वो हकीकत में कुछ भी नहीं होता। जब वो वहां पहुंचता है तो उसको मालूम होता है कि नहीं, ये तो शराब था, ये तो हकीकत थी नहीं। अब दूसरी मिसाल है, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फौकिही मौजुम मिन फौकिही सहाब। ये दूसरी मिसाल है असहाबे जुलुमात की, यानी कि पहले असहाबे नूर की मिसाल जिक्र हुई थी, अब उसके बाद असहाबे जुलुमात की एक मिसाल जिक्र हुई, अब असहाबे जुलुमात की दूसरी मिसाल जो है वो जिक्र हो रही है। तो ये जो दूसरी मिसाल है ये या तो मुल्हिद की मिसाल है, मुल्हिद की, मुल्हिद दहरिया एथिस्ट, या फिर ये मुशरिक के उन अमाल की मिसाल है जो कि एक तो है मुशरिक के अमाल, दूसरा अमाल भी बुरे हैं, और या फिर ये उस काफिर की मिसाल है जो कि वो उन लीडरों के पीछे पीछे चलने वाला काफिर है, ये खुद जाहिल है, खुद इसको कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ अपने बड़ों के पीछे चलता है। किसको समझ आइए? जी शेख आ गई हाँ, सर, आ गई तो ये मैंने तीनों आपको बातें बताई हैं, तीनों बातें बन सकती हैं, या तो ये दहरिये की मिसाल है मुल्हिद की, या फिर ये मुशरिक के बुरे आमाल की मिसाल है, और या फिर ये
कुफर के अंदर जो पीछे पीछे चलने वाला एक जाहिल काफिर है उसकी मिसाल, औ का जुलुमातिन, या फिर इन लोगों के अमाल की मिसाल उन अंधेरों की मानिंद है कि ये अंधेरे कहाँ पर हैं, फी बहरिन लुज्जी यग्शाहु मौजुन, फी बहरिन लुज्जी, एक ऐसे समंदर में और समंदर की गहराइयों में, एक गहरे समंदर के अंदर है ये शख्स, एक शख्स जो है वो कहाँ पर है, वो होती है ना स्कूबा डाइविंग करते हैं जो, तो वो समंदर की गहराई में है, यग्शाहु मौजुन मिन फौकिही मौजुन, और उसके ऊपर एक मौज है, पानी की मौज है, और उस मौज के ऊपर एक और मौज है, मिन फौकिही सहाब, और उसके ऊपर गहरे स्याह बादल हैं, जुलुमातुम बादुहा फौका बाद, ये बाज अंधेरे बाज के ऊपर हैं, नीचे समंदर की गहराइयों का अंधेरा है, उसके ऊपर पानी की मौजें मौजों का मौज के ऊपर और मौज है, मौजों का अंधेरा है, उसके ऊपर जो है वो बादल की वजह से तारीकी है, कि बादल जो के हर किस्म की रोशनी को जो है वो रोक लेते हैं, तो जुलुमातुम बादुहा फौका बाद, ये बाज अंधेरे बाज के ऊपर है, अंधेरे हैं अंधेरों के ऊपर और अंधेरे हैं और उनके ऊपर मजीद अंधेरे हैं। अब इदा अखरजा यदहु, इस शख्स की हालत यह है कि जब ये अपना हाथ भी बाहर निकाले तो लम यकद यराहा, ये अपना हाथ भी नहीं देख पाता, इंसान के करीब तरीन चीज यही होती है कि इंसान अपने हाथ को देख ले, तो इधर अंधेरों की इतनी कसरत है कि ये शख्स अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा, ये वो काफिर है जो एक तो है जाहिल, एक ये कुफर का अंधेरा है, कुफर का अंधेरा, फिर उसके ऊपर इसके कुफरिया आमाल का अंधेरा, उसके ऊपर फिर इसकी जिद और इनाद, उसका अंधेरा, तो ये अंधेरे हैं अंधेरों के ऊपर और अंधेरे हैं, ठीक है, या फिर ये मुल्हिद और दहरिया है। देखिए जो काफिर है ना, जो बहरहाल अल्लाह के वजूद को मानता है लेकिन किसी और किस्म के कुफर का शिकार है, आपको पता है कि वो नेक आमाल करता है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे इन नेक आमाल का रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसकी मिसाल वो है कि जिस तरह एक शख्स जो है वो शराब को देख रहा है और वो समझ रहा है कि ये पानी है तो मुझे जो है वो पानी मिलेगा, लेकिन एक बंदा जो कि सिरे से मुल्हिद है और दहरिया है तो क्या वो अपने आमाल पर किसी चीज की उम्मीद और तवक्को रखता है, नहीं, नहीं रखता, ठीक है, बल्कि वो जो है वो उसकी हालत ये बयान हुई है, और सच्ची बात है कि जो मुल्हिदीन है ये आयत उनकी हालत की बड़ी जबरदस्त अक्कासी करती है कि एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में कोई मीनिंग ही नहीं है, जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, जाहिर है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद का इनकार बंदे ने कर दिया तो जिंदगी खुद बेमाना होकर रह गई ना, जिंदगी बेमाना है, जिंदगी एक हादसा है, एक जो है वो एक हादसे का नतीजा है, एक इर्तिका के नतीजे में वजूद में आए हैं, इर्तिका के बाद जो है वो बस मट्टी में मिल जाना और खत्म। आज मैं वो परवेज हूद बॉय की एक सुन रहा था, उसके अंदर वो ये कह रहा था, तो ये उस शख्स की मिसाल है, औ का जुलुमात इन फी बहर, ये वो गोया के अंधेरे हैं अंधेरों के अंदर और अंधेरे हैं, उनके अंदर और अंधेरे हैं और उनके अंदर जो है वो मौजूद है, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये तो बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं जी हमाद भाई, ये सवाल पैदा होता है ना कि भाई ये स्टीफन हॉकिंग तो इतना बड़ा साइंसदान था और ये तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं और ये किस तरह इस गुमराही का शिकार हो गए, ये सवाल पैदा होता है कि नहीं। जी सर, हाँ, तो उसका जवाब, वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, तो जिसको अल्लाह जो है वो उसको ये रोशनी अता ना कर दे तो उसके लिए कोई रोशनी नहीं है, जिसको अल्लाह ये रोशनी दे दे उसी के लिए रोशनी है, जिस तरह के वो आयत नूर के आखिर में क्या कहा है, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, और यहाँ पर कहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसको अल्लाह ये नूर अता ना कर दे तो फिर उसको कहीं से और नूर ये नसीब नहीं हो सकता, अल्लाह चाहे तो किसी गरीब से चरवाहे को जिसने जिसको अपना नाम लिखना भी ना आता हो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नूर अता कर दे, आपने सुना है ना किस्सा उसका कि जिसको
जब ये कहा गया कि तुम जो है वो चरवाहा जिसको कहा गया कि तुम ये जो एक बकरी है ये जिबा करके हमें दे दो और अपने मालिक को कह देना कि इसको कोई भेड़िया वगैरह ले गया, तो उसने कहा कि उसने कहा कि ये सितारे, इन सितारों के अलावा तो तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, तो उसने कहा कि ये सितारे देख रहे हैं तो इनको बनाने वाला और इनको चलाने वाला वो कहाँ है, वो तो मौजूद है। तो ये जो नूर है ईमान का, जिसका तذکرہ पीछे हो गया है कि जिसका महल मोमिन का कल्ब है, ये नूर, ये जिसको अल्लाह अता कर दे, जिसको अल्लाह अता कर दे, ये ना मोटी मोटी किताबों से होता है, ना ये बड़ी बड़ी डिग्रियों से होता है, और ना ये बहुत ज्यादा माल और दौलत से होता है, ये इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह दे दे तो किसी हबशी को अता कर दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत महरूम कर दे तो नबी के चचा को जो है वो अबू जहल और अबू लहब जो है वो बना दे। तो वमन लम यजअल अल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, अल्लाहु अकबर, फमा अहवजना इला, तो किस कदर, यानी कि हम जो है वो, हमें जरूरत कितनी ज्यादा है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा नूर का सवाल करते रहें। एक दुआ है खुदा के नबी अलैहि सलातो वसलाम, उसमें बड़ा तذکرہ है नूर का, आती है किसी को दुआ वो, जी सर, अल्लाहुम्मा जअल अल्लाहुम्मा कल्बी नूरन, अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा, फी बसरी नूरम यमीन ये नूरा। जी पूरी सर, लंबी अल्लाहुम्मा दुआ है। ये अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम पढ़ा करते थे दुआ, जब फजर के लिए जा रहे होते थे ना, फजर की नमाज के लिए, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम ये दुआ पढ़ा करते थे, बड़ी प्यारी दुआ है। तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से नूर का भी सवाल करे इस शेख, दुनिया ये में भी। सुनतों के बाद नहीं पढ़ते ये दुआ जब आप लेटते थे? सुनतों के बाद जी, वो सुन्नतों के बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम जाते थे ना मस्जिद की तरफ, अपने हुजरे से निकल के सुन्नतें अपने हुजरे में पढ़ते थे और उसके अच्छा बाद मस्जिद में जाते थे, फिर उस मौके पे आप ये दुआ पढ़ते थे। तो इंसान जो है वो इस शेख, दुनिया, जी जी बताइए। सुनतों के बाद वो थोड़ा सा लेट नहीं थे, और मैंने सुना था कि वो तब पढ़ते हैं जाते हुए रास्ते में पढ़ते थे। मेरे तो इल्म में यही है कि चलिए मैं इंशाल्लाह बताऊंगा ये देख के ना, इंशाल्लाह। जी सर, तो अब जो है वो कुछ दलायल का बयान है। अलम तर अन्न अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ्फात। मैं ये कह रहा था कि इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर भी नूर का मोहताज है, इस माना में कि नूरे हिदायत और हक और बातिल में फर्क करना, उस करने की सलाहियत, हक और बातिल में फर्क करने की सलाहियत अपने हर हर मामले में, और अंधेरों से, मुख्तलिफ तरह के जो अंधेरे हैं, फितनों के अंधेरे हैं, और जो है वो शहवात के अंधेरे हैं, शुबहात के अंधेरे हैं, उनसे बचने के लिए इंसान को नूर की जरूरत है, हिदायत पर कायम रहना, और फिर उसके बाद इंसान अपनी कब्र के अंदर जो है वो उधर उसको नूर की हाजत और जरूरत है, उस वहशत और उस तन्हाई और उस अंधेरे के मुकाबले के लिए, फिर इंसान को मैदान हशर के अंदर जो है वो नूर की जरूरत है, और ये इन तमाम मराहल पर इंसान को जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नूर की जरूरत है। तो ये नूर का सवाल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से करना चाहिए। अलम तर अन्न अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ्फात। क्या आप देखते नहीं कि अल्लाह की ही तस्बीह बयान करते हैं, मन फिस समावाति वल अर्दी, जो कोई भी आसमानों और जमीन में है, वत्तैरु, और जो परिंदे हैं वो साफात, वो अपने परों को फैलाए हुए होते हैं, कुल्लुन, ये तमाम की तमाम मखलूकात, कद अलीमा सलातहू व तस्बीहहू, यकीनन वो पहचानती हैं अपनी दुआ और अपनी तस्बीह को, तमाम जो मखलूकात हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्हाम कर रखा है उनका तरीका है इबादत, उनका तरीका है तस्बीह, वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बाखबर है उन तमाम चीज़ों से जो तमाम मखलूकात जो है वो करती हैं। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की, अल्लाह ही के लिए खास है, अल्लाह ही आसमानों और जमीन का बादशाह है,
इसमें उसी का तसर्रुफ जो है वो चलता है। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, व इलल्लाहिल मसीर। इस माना की कोई और आयत है जहन में आपके? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, हाँ जी आया जहन में कुछ? सर नहीं आ गई। हाँ, तो ये सूरत जो मुल्क आप में ऐसे, तो हाँ नहीं जी बताइए। सूरत मुल्क में तो नहीं सर ऐसी। पता नहीं, अभी तो मेरे जहन में जो आयत है वो तो ये है कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक ही बात है। व लिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह के लिए इनकी, इसकी बादशाहत अल्लाह के लिए खास है। तो इन्ना लिल्लाही, हम जो है हम भी अल्लाह की मिल्क हैं, और अल्लाह की जो है वो अल्लाह की रियाया हैं, अल्लाह के जेरे तसर्रुफ हैं। और व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। और व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ जो है वो ठिकाना है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो जाहिर है कि हम भी आसमानों और जमीन में हैं। तो ये तकरीबन करीब करीब माना है, एक ही माना है। एक और दलील, अलम तर अन्न अल्लाह युज्जी सहाबन, ये बड़ी प्यारी आयत है। अलम तर अन्न अल्लाह युज्जी सहाबन, क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह जो है वो बादलों को चलाता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन बादलों को आपस में जोड़ देता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर उनको तह बर तह जो है वो बना देता है, तह बर तह। फतर अलवद्ख यखरुजु मिन खिलालिही, बस आप देखते हैं बारिश को कि वो उन बादलों के अंदर से निकलती है। व युनज्जिलु मिनस समाई, और वो नाजिल करता है आसमान बादलों से, असमा बादलों से। मिन जिबालिन फीहा, उन बड़े बड़े पहाड़ों से जो कि इस आसमान के अंदर होते हैं। और क्या नाजिल करता है? मिन बारादिन, ओले, ओले नाजिल करता है इन बड़े बड़े पहाड़ों से जो पहाड़ आसमान में होते हैं। फयुसीबु बिही मन यशा, बस फिर इन ओलों के जरिए जिसको चाहता है ये ओले पहुंचा देता है। फयुसीबु बिही मन यशा व यसरिफुहु अन मन यशा, और जिससे चाहता है इसको जो है वो फेर देता है। व यसरिफुहु अन मन यशा, जिसको चाहता है वो अपनी रहमत पहुंचा देता है, और जिससे चाहता है उसको फेर देता है। यकादु सना बर्कीही यذهب بالأبصار, और करीब है कि इन बादलों की चमक, इनकी जो बिजली है उसकी चमक आंखों को अंधा कर दे, यानी कि ऐसी इन बादलों की ऐसी चमक होती है कि करीब है कि वो क्या करे, आंखों को अंधा कर दे। सर इस आयत का तर्जमा प्लीज रिपीट कर दें, आप एक दफा फिर पढ़ दें। जी जी जरूर। अलम तर अन्न अल्लाह युज्जी सहाबन, क्या आप देखते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बादलों को चलाता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन बादलों को आपस में जोड़ देता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर उनको तह बर तह बना देता है, ऐसे तह बर तह बादलों के ऊपर बादल। कभी हवाई सफर आप करें ना, और आपको खिड़की की तरफ, शीशे की तरफ आप बैठे, तो जब बिल्कुल ऊपर जहाज चला जाता है और ऊपर जाके आप बाहर देखें, तो उधर आपको ये मंजर नजर आएगा। देखा है कभी किसी ने? हाँ, जी सर देखा है। तो ये वो उस वो में उसका बयान है। ये आपको ऐसे लगेगा जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ आपको लगेंगे, हालांकि वो पहाड़ नहीं होंगे, वो बादल होंगे। तब जहाज के ऊपर भी बादल होते हैं, नीचे भी बादल होते हैं। तो सुम्मा यजअलुहु रुकामन, उनको फिर तह बर तह बना देता है। फतर अलवद्क यखरुजु मिन खिलालिही, आप देखेंगे बारिश को कि वो इन बादलों के अंदर से निकलती है। वो युनज्जिलु मिनस समाई मिन जिबालिन फीहा, और वो नाजिल करता है आसमानों से, यानी कि मिन जिबालिन फीहा, उन पहाड़ों से जो कि इन आसमानों में है। यहाँ पर जिबाल से मुराद असल वाले मरी वाले पहाड़ नहीं है, या सवात वाले पहाड़ नहीं है, यहाँ पर वो बादल मुराद है जो कि पहाड़ों की तरह आसमान के अंदर होते हैं।
उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या नाजिल करता है, मिम्बरा दिन ओले नाजिल करता है। फयुसीबु बिही मैयशा, फिर इनको पहुंचा देता है, ये ओले जो है इनको पहुंचा देता है जिसको वो चाहता है, और फेर देता है जिनसे वो चाहता है, और ये बादलों में मौजूद बिजली की चमक करीब है कि आंखों को ही खीरा कर दे, इस कदर तेज उसकी चमक होती है कि यकादु सना बर्क ही यदहबु बिल अबसार। युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार, अल्लाह रात और दिन को पलटता है, रात और दिन का निजाम जो है वो उलटता पलटता रहता है। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, और बेशक इसके अंदर उलिल अबसार के लिए, बसारत वालों के लिए जो है वो इबरत है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाबतिन मिम्मा, अल्लाह ने तख्लीक किया है हर चलने वाले को पानी से, कोई हर दाब्बा को। फमिनहुम मन यमशी अला बतनी, बस इनमें से बाज वो हैं जो चलते हैं, अला बतनी ही, अपने पेट पेट के बल चलते हैं। कौन मुराद है इनसे, क्या कहते हैं, रेपिटाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें जो रींगने ये वाले सब जानवर, रेप्टाइल्स ही होते हैं। हाँ रेपिटाइल्स, जिस तरह ये सांप वगैरह। वमिनहुम मैयमशी अला रिजलैनी, और इनमें से बाज वो हैं जो कि अपने दो पांवों पर चलते हैं, जैसे कैंगरू है या इंसान है, इस तरह और भी जानवर होते होंगे। वो मिनहुम मैयमशी अला अरबा, और बाज वो हैं जो कि चार पांवों पर चलते हैं। यखलुकुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह जो चाहता है उसको तख्लीक कर देता है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता है। लकद अनजलना आयातिन मुबैनात, यकीनन हमने नाजिल की हैं वाज़ेह और रोशन आयात। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसको चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आयात बय्यिनात के जरिए सिरात मुस्तकीम की तरफ उसकी रहनुमाई कर देता है। तो ये तीसरा बाब जो है वो मुकम्मल हुआ। यहाँ से आगे चौथा बाब है, और वो गालबन सूरत के आखिर तक है। यहाँ से आयत नंबर 47 से लेकर सूरत के आखिर तक सूरत का पांचवा बाब है। इसमें मुनाफिकीन और ईमान वालों की सिफात का बयान होगा, और मुमिनों और ईमान मुनाफिकीन की सिफात का आपस में कंपैरिजन और तकाबुल भी होगा। मुनाफिकीन के लिए जजर है, ईमान वालों के लिए बशारतें जिक्र होंगी। इसी तरह बाज आदाब का जिक्र होगा, रफ़े हरज, परेशानी को ख़त्म करने के लिए, और इसी तरह जो है वो बाज आदाब का तذکرہ करने के बाद सूरत का इख्तिताम बहरहाल तौहीद पर होगा। ये सब मजामीन बयान होंगे इंशाल्लाह। वयकूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली, और ये कहते हैं, कौन कहते हैं, मुनाफिकीन। वयकूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व अताना, और ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और हमने उनकी इताअत इख्तियार की। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बादी दालिक, उसके बाद फिर एक गिरोह इनमें से जो है वो फिर जाता है अपने इस दावे से। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, ये लोग ईमान वाले हैं ही नहीं, बावजूद इसके कि ये जबान से दावा इकरार करते हैं ये ईमान वाले नहीं हैं। क्या पता चला इससे, पता ये चला कि बावजूद जबान से कलमा पढ़ने के, जबान से आमन्ना बिल्लाही व बिर रसूली व अताना कहने के, बाज दफा इंसान जो है वो ईमान वाला नहीं होता। ठीक है, व यकूलून आमन्ना बिल्लाही व बिर रसूली व अताना सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बादी ज़ालिक, फिर इनमें से एक गरोह जो है वो अमली तौर पे इताअत से फिर जाता है। तो वमा उलाइका बिलमुमिनीन, ये लोग ईमान वाले हैं ही नहीं है। करते क्या है, इनका काम यह है कि वइदा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, जब इनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला कर दें इनके मामलात में, इनके दरमियान फैसला कर दें, आपस में कोई इख्तिलाफ जब हो जाए उसमें फैसला करने के लिए, जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है। इज़ा फरीकुम मिनहुम मुरिज़ून, उनमें से एक गरोह जो है वो उससे एराज करता है, एक फरीक जो है वो
एराज करता है, यानी कि अपने मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं लौटाते हैं, वही की तरफ जो है वो वही की तरफ रुजू नहीं करते अपने मामले को सुलझाने के लिए। तो वही यकुन लहुमुल हक, अगर हक इनके लिए हो जाए, अगर हक इनके ताबे हो जाए, तो यातू इलैहि मुज़इनीन, उस वक्त ये फरमा बरदार होकर आ जाएंगे हक की तरफ। अगर हक इनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाए, उस वक्त तो ये फरमा बरदार होकर हक की तरफ जो है वो आ जाएंगे, लेकिन वैसे अपने बाहम इख्तिलाफ के वक्त और किसी मसले में जो है वो फैसला करवाने के लिए, उस वक्त ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जो है वो रजू नहीं करते। तो अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या इनके दिलों में मर्ज और बीमारी है, अम इरताबू, या ये शक का शिकार है, अम यखाफून अन यहीफ अल्लाह अलैहिम व रसूल, या इनको ये डर है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेंगे। मसला क्या है? असल बात ये है, बल उलाइका हुमुस ज़ालिमून, ये लोग हैं ही जालिम लोग हैं, ये लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते ही नहीं है। अगर ये ईमान रखते हों तो फिर इनको अल्लाह और उसके रसूल से अपने मामले का फैसला करवाने में और अपने इख्तिलाफ में फाइनल अथॉरिटी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को समझने में क्या चीज माने, इसके मुकाबले में ईमान वालों का रवैया, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इदा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, बेशक ईमान वालों का कौल के जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि वो इनके दरमियान फैसला कर दें, ईमान वालों का कौल तो ये होता है कि अय यकूलू समिअना व अताअना, वो कहते हैं हमने सुना और हमने इताअत की, वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये वो लोग हैं जो के फलाह पाने वाले। वमन युति अल्लाह व रसूलहू, जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, व यख्शा अल्लाह व यत्तकी, और अल्लाह की खशियत और अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, फउलाइका हुमुल फाइजून, बस यही लोग हैं जो के कामयाब होने वाले हैं, फाइज लोग यही हैं। इसके मुकाबले में मुनाफिकीन, व अक्समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, वो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, मजबूत मजबूत कस्में खाते हैं, लैन अमरतहुम लयखरुजुन, कि आप अगर उनको हुक्म देंगे तो वो जरूर जो है वो निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में। कुल, आप कह दीजिए, ला तुकसिमु, कस्में मत खाओ, ताअतुम मारूफतुन, तुम्हारी ताअत, तुम्हारा ताअत करना मारूफतुन, अच्छे तरीके से इताअत करना, खैरुन लकुम, तुम्हारे हक में बेहतर है, या फिर ताअतुम मारूफतुन, तुम्हारा मामला जो है वो जाना पहचाना है, तुम्हारा मामला जो है वो सब जानते हैं, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खूब बाखबर है। कुल, आप कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, फइन तवल्लु, बस अगर ये इससे रूगरदानी करें तो आप परेशान मत हो, फला तहजन, फइन तवल्लु तो फला तहजन, आप परेशान मत हो, फइन्नमा अलैहि, बस बात यह है कि अलैहि, नबी पर, नबी के जिम्मे तो वो चीज है, मा हुम्मिला, जिसका उसको मुकल्लफ ठहराया गया है, जो चीज उस पर लादी गई है उसके जिम्मे तो वो है, यानी कि तबलीग, पैगाम को पहुंचाना, वह अलैकुम मा हुम्मिल्तुम, और तुम्हारे जिम्मे वो है जो तुम पर लादा गया है, जो तुम्हारे जिम्मे लगाया गया है, तुम्हारा करने का काम वो है, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, वह इन तुतीउहु तहतदू, तो अगर तुम उस रसूल की इताअत करोगे तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। बाकी वमा अलर रसूल इल्ल बलागुल मुबीन, रसूल के जिम्मे तो नहीं है मगर यह कि खुल्लम खुल्ला पहुंचा देना, रसूल के जिम्मे सिर्फ खुल्लम खुल्ला पहुंचा देना है, बनवाना उसका काम नहीं है जबरदस्त। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अब चूंकि इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जो है वो कुव्वत का और गलबे का सबब है, अब उस वादे का तذکرہ किया, वअद अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाती, अल्लाह ने वादा किया है, अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो तुम में से ईमान वाले हैं उनसे, वअमिलुस्सालिहाती, और जो अमल सालेह करेंगे उनसे, वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह जरूर उनको जमीन में इस्तिखलाफ अता करेगा, जमीन में अल्लाह जरूर उनको
है वो हुकूमत अता करेगा, मजबूती अता करेगा। कम अस्तखलफ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह अल्लाह ने उन लोगों को अता किया था इस्तखलाफ जो कि तुमसे इनसे पहले थे। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, और अल्लाह उनके लिए उस दीन को तमकीन अता कर देगा जिस दीन को अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया है, और वो दीन जो है वो कौन सा है? इस्लाम है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह जरूर जो है वो तब्दील कर देगा इनके खौफ के बाद उसको अमन से, उनके खौफ को अल्लाह जरूर अमन से तब्दील कर देगा। तो क्यों, किस चीज के नतीजे में ये हासिल हो रहा है? यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, ये लोग मेरी ही इबादत करें और मेरे साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएं। तो मन कफर बाद दालिका, और जो कोई इसके बाद फिर इनकार का रास्ता अपनाए, तो फाउलाइका हुमुल फासिकून, यही वो लोग हैं जो कि अल्लाह की इताअत से निकल जाने वाले हैं। वकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, बस नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ला तहसबन्न अल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीना फिल अर्ज़, आप हरगिज मत समझिए कि कुफर करने वाले अल्लाह को जमीन में आजिज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वाहुमुन नार, और इनका ठिकाना तो जहन्नम है, आग है। वलबिसल मसीर, और क्या ही बुरा वो ठिकाना है आग। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अय्मानुकुम, यहां पर एक और इस्तेहज़ान का जिक्र है। इससे पहले जिस इस्तेहज़ान का जिक्र हुआ था वो अमूमी तौर पर घरों में दाखिल होने के मुतल्लिक था, कि अमूमी तौर पर घरों में दाखिल होने के लिए, किसी के भी घर में दाखिल होने के लिए जिस इजाजत की जरूरत। यहाँ पर घरों के अंदर के हालात का जिक्र है कि 3 वक्त ऐसे हैं कि जिनमें छोटे बच्चे और जो खादिम वगैरह हैं उनको भी चाहिए कि वो इजाजत तलब कर कर दाखिल हो। 3 औकात ऐसे हैं कि जिनमें छोटे बच्चे वगैरह और बाकी जो खादिम वगैरह हैं उनको भी इजाजत तलब करके दाखिल होना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, लियस्तअज़िनकुम अल्लज़ीना मलकत अय्मानुकुम, चाहिए कि इजाजत तलब करें तुमसे अल्लज़ीना मलकत अय्मानुकुम, तुम्हारे गुलाम वगैरह। वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम, और जो तुम में से अभी बालिग ना हुए हों वो भी। कितनी दफा? 3 मरतबा, 3 मरतबा इजाजत तलब करें, तीन औकात में। और वो 3 औकात क्या है? मिन कबली सलात अल फजरी, फजर की नमाज से कबल। वहीन तदउन थियाबकुम मिन अज़्ज़हीरती, और जब जोहर के वक्त तुम अपने कपड़े रख देते हो कैलूला वगैरह करने के लिए, उस वक्त इंसान अपने लिबास को उतारता है। मतलब ये एक इंसानों की फितरत है, यानी कि इंसान जाहिर है कि जब आराम तलब करता है तो उस वक्त इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने जायद लिबास को उतार दे। जिस तरह यहाँ पर अमूमन जो है वो कमीज वगैरह उतारी जाती है सोने के लिए, और जो है वो यानी कि ऐसा लिबास इंसान पहनता है जो कि उसके लिए आरामदेह किस्म का लिबास होता है, ठीक है? तो वो मुराद है ही ना तदाउन सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरती। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान बिल्कुल बेलिबास हो जाता है, माना यही है कि इंसान जो है वो अपने जायद लिबास को उतार देता है सोने के लिए, ताकि जो आरामदेह लिबास के अंदर जो है वो सोए। जाहिर है कि अगर भारी लिबास पहना हो और जो है वो इस तरह का लिबास पहना हो जिस तरह के मुनासिबात में और जो है वो किसी तकरीब में पहना जाता है, तो वो पहन के इंसान सो नहीं सकता। अगर सोएगा भी तो वो मजबूरन ही सोएगा, आराम से अपने कमरे में अपने घर के अंदर इंसान इस तरह जो है वो नहीं सोता। तो हीना तदाउना थियाबकुम मिन अज़्ज़हीरती व मिन बादी सलातिल इशा, और इसी तरह इशा की नमाज के बाद। सलासु औरातिल लकुम, ये 3 जो है वो तुम्हारे लिए पर्दे के औकात हैं। तो ये जाहिर है कि ये जो वाली जो इस्तेज़ान और इजाजत है ये छोटे बच्चों को भी सिखानी चाहिए, छोटे बच्चों को। और जो घर में, अब तो जाहिर है कि ये अल्लज़ीना मलकत मा मलकत ईमानुकुम वाला तो अब मामला नहीं है, लेकिन घर के अंदर अगर कोई और खादिम वगैरह मौजूद हैं या कोई और इस तरह के
खिदमत वगैरह करने के लिए या मेड्स वगैरह जिस तरह होती हैं, को भी इस चीज की तालीम देनी चाहिए कि इन तीन औकात में खास तौर पे कमरों में दाखिल होना या कोई शख्स जो है वो अपने यानी कि अपनी जो अपनी प्राइवेट जगह पर है अपने कमरे में या अपने अपने पोर्शन में है, तो उस जगह पे जो है वो बगैर इजाजत के दाखिल होना जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ये बहुत ही बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ा हुक्म है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हिकमतें हैं, क्योंकि इन औकात में अमूमन इंसान जो है वो बाज दफा इंसान का सतर जाहिर हो रहा होता है, बाज दफा इंसान जो है वो इस कैफियत में नहीं होता कि जिसमें वो किसी के सामने आना पसंद करता है, या बाज दफा जो है वो अपनी बीवी के साथ होता है, कुछ भी कोई भी मामला हो सकता है। तो इन तीनों औकात के अंदर जो है वो घर के अंदर मौजूद छोटे बच्चे भी और वो भी जो है वो इजाजत तलब किए बगैर नहीं आ सकते। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन, हाँ तुम्हारे ऊपर और इन लोगों पर जिनका तذکرہ पीछे हुआ है, इन तीन औकात के अलावा जो है वो घर के अंदर आप आना जाना आमदोरफ्त कर सकते हैं, उसमें जो है वो गुनाह नहीं है। तवाफून अलैकुम बादुकुम अला बाद, और तुम जो है वो आपस में एक दूसरे पर खूब चक्कर लगाने वाले हो। जाहिर है जब एक घर के अंदर है तो बच्चे भी बच्चों को कोई रोक बच्चों को तो कोई रोक नहीं सकता, जाहिर है वो एक जगह से दूसरी जगह और बच्चे तो पूरे घर में फिरते हैं। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, और इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात और अपने अहकाम को बयान करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, तो ये जो अल्लाह ताला के अहकाम है इनको तुम इजी मत लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब इल्म रखने वाला है और खूब हिकमत वाला है। तो माना ये है कि ये जो हुक्म जिक्र हुआ है ये एक ऐसी जात की तरफ से है जो अलीम भी है और हकीम भी है, तो माना यह है कि ये हुक्म कोई मजाक नहीं है, ये एक आलिम और हकीम जात की तरफ से। वइदा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा, जब तुम्हारे बच्चे जो है वो बालिग हो जाएं तो फल यस्तअज़िनु कम इस्तअज़ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो फिर वो उस तरह इजाजत तलब करेंगे जिस तरह पहले पहले वो पहले वाले लोग जो है वो इजाजत तलब करते हैं। ठीक है, मतलब फिर जो है वो उनका उनके लिए जो है वो इजाजत तलब करने वाला मामला वही होगा जो कि पहले जिक्र हुआ है बालिग हो जाने के बाद। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इस तरह अल्लाह जो है वो तुम्हारे लिए अपने अहकाम अपनी आयात को बयान करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जो है वो अलीम और हकीम है, खूब इल्म रखने वाला और खूब हिकमत वाला है। वल पर्दे का बयान है एक खास किस्म की खवातीन के लिए। वल कवाइदु मिनन निसाई, और वो औरतें बस जो के बैठ बैठ रहने वाली औरतें हैं, यानी कि वो खवातीन जो के यानी कि कुछ बुढ़ापे की हदूद में पहुंच जाती हैं, अब अल्लाती ला यरजूना निकाहन, अब उनकी निकाह की उम्मीद जो है वो खत्म हो चुकी है। जाहिर है कि वो उम्र के एक खास हिस्से के बाद जो है वो इंसान की ये निकाह की ख्वाहिश जो है ये खत्म हो जाती है। और तो इस सूरत में फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, इन खवातीन पर कोई गुनाह नहीं है कि अन यदअना सियाबहुन्ना, कि वो अपने कपड़ों को रख दें। अब यहां पर क्या मुराद है, कौन से कपड़ों को रखना मुराद है? इसका मतलब यह है कि सर की ओढ़नी वगैरह, अगर वो घर के अंदर सर को जो है वो अपने नंगा रखें, या फिर ये मुराद हो सकता है कि वो अगर अपने चेहरे को ना ढांपे तो गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, मगर ये कि वो ये ना हो कि अपनी जीनत को जो है वो तबर्रुज करती और अपनी जीनत को दिखाती फिर रही हो। अगर वो अपनी जीनत को जाहिर ना कर रही हो और तबर्रुज ना कर रही हो तो वो अपने चेहरे को जाहिर कर सकती हैं या अपने घर वगैरह के अंदर अपना सर जो है वो नंगा रख सकती हैं, कोई मसला इसमें नहीं है। लेकिन अब तो सूरत हाल अजीबो गरीब है, बास बड़ी उम्र की खवातीन भी, खास तौर पे ये जो हमारी इलीट क्लास है उसके अंदर ये बात है कि बास बड़ी उम्र की खवातीन को बंदा देख के हैरान रह जाता है कि यानी कि उन्होंने भी बिल्कुल जो है वो, अब क्या बयान किया जाए, यानी कि वो भी अपना उसी तरह एहतमाम करती हैं कि जिस तरह जो है वो नौजवान खवातीन ने एहतमाम किया होता है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि चूंकि अब वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई हैं तो वो शरीयत की तमाम हदूद से आजाद हो गई हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि इनके लिए हुक्म जो है वो उसमें तख़फीफ़ है,
क्योंकि अब ये उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई है कि अब ये शायद किसी के लिए भी फितने का सबब नहीं बन सकती, ना इनका जो है वो यानी कि अब निकाह की कोई उम्मीद बाकी है, तो इसीलिए इनके लिए कुछ तख़फीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद आगे अच्छा देखिए। सर, सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम घर में रहते हैं, तो अगर हम घर में कभी दुपट्टा वगैरह नहीं भी लेते तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? देखिए घर का जो लिबास है उसमें तो जाहिर है कि घर का लिबास बाहर के लिबास की निस्बत वो बहुत तख़फीफ़ है उसमें, लेकिन दुपट्टा जी सर, वगैरह ना लेने से अगर तो मुराद हो ना कि बाल कुछ जाहिर हो रहे हैं तो ये एक और बात है, लेकिन यानी कि जाहिर है कि इंसान को चाहिए कि वो बाल अगर कुछ जाहिर हो भी रहे हो तब भी घरों के अंदर भी अपने बाकी जिस्म को जो है वो ढांप कर रखना जरूरी है, अपने और सर बाकी जिस्म। सुसर के बारे में जो है, उनके साथ मतलब कितने उसका पर्दे का लेवल है, कितना होना चाहिए? वो उसी तरह है जिस तरह बाप है, ठीक ठीक है जी है, वो सर, बिल्कुल बाप की तरह, बल्कि ये पीछे हमने पढ़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ ही तो जिक्र किया है, ये देखिए आयत नंबर 31 के अंदर, आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह ताला ने बाप को और ससुर को इकट्ठे जिक्र किए, देखिए आयत नंबर 31 में, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना अव आबाईहिन्ना अव आबाई बुऊलतिहिन्ना, अपने शौहरों के लिए, अपने बापों के लिए और अपने शौहरों के बापों के लिए सुसर, ठीक हो गया, और फिर आगे अव अबनाईहिन्ना, तो ये सुसर बाप बेटे भाई इन सब का मामला एक ही है, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर इफरातो तफरीत है, इफरातो तफरीत है हमारे माशरे के अंदर, अब जो लिबास खवातीन घरों के अंदर भी पहन रही हैं बाज दफा वो भी गैर मुनासिब होता है, बाज दफा वो भी गैर मुनासिब होता है, मतलब बाप और भाइयों के सामने भी हर लिबास नहीं पहना जा सकता, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे मुनासिब अल्फाज और मुनासिब ताबीर नहीं करनी आ रही, लेकिन मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाज लिबास ऐसे हैं जो कि सिर्फ खाविंद के सामने पहने जा सकते हो शायद, लेकिन अब वो लिबास जो कि खाविंद के सामने सिर्फ पहने जा सकते हैं वो अपने बाप भाई ससुर और घर में मौजूद दूसरे लोगों के सामने खवातीन पहनती हैं, और मामला उससे भी आगे निकल चुका है, अब तो बाज वो लिबास जो कि शायद खाविन के सामने भी खवातीन नहीं पहनती वो भी बाहर भी पहने जाते हैं, मतलब अब मामला तो बस अल अमान वल हफीज, तो ये यहाँ पर ये मसला बयान हो गया, लेकिन ये मामला किन का है, ये वल कवा अल कवाइदु मिन निसा का है, और उसके अंदर भी आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, वो अन यस्तअफिफना खैरुन लहुन्ना, और अगर वो एहतियात ही करें और पाक दामनी इख्तियार करें तो ये उनके हक में ज्यादा बेहतर है, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, तो इस आयत से हमें ये पता चल गया कि बहरहाल जो एजिड खवातीन हैं उनके लिए कुछ जो है वो गुंजाइश जो है वो मौजूद है, चले वो हम माद भाई ने भी अब कह दिया और मुझे पता नहीं चला, 5 मिनट ऊपर हो गए, जजाकल्ला खैर, हमाद भाई मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ सर उसका, जी बताइए, शेख, मेरा एक सवाल था, जिस तरह ये एजेड औरतों का जिक्र है, इस तरह ये मर्दों का भी है कि अगर एजेड मर्द हैं तो उनसे पर्दे में थोड़ी सी नरमी हो है वगैरह वगैरह? देखें नस्सन तो ये बात नहीं है, जिस तरह ये कुरान मजीद की आयत के अंदर तो यहाँ पर जिक्र है वल कवाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजुना निकाह, लेकिन मामला ये है कि ये चीज जो है ना वो बास चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप जो है वो जब वो सूरत हाल देखकर ही आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये इस मामले में कुछ गुंजाइश की कुछ कोई गुंजाइश जो है वो बन सकती है या नहीं, यानी कि मिसाल के तौर पे आपका बाज दफा ऐसा होता है, हम सबके घरों में ऐसा होता है, हम सबकी फैमिलीज में ऐसा होता है कि बाज बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं कि जो जिनकी एक बड़ी फादरली सी फिगर होती है सब लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, ठीक है, अब बाज दफा वो किसी खातून के लिए मतलब टेक्निकली वो महरम नहीं होते या टेक्निकली वो उनके सामने जो है वो ऐसा रिश्ता नहीं होता कि वो उनके सामने जाहिर कर सके, लेकिन अगर उनको जो है वो अपना बाप
बाप वाला मामला अगर उनके साथ कर लिया जाए, सुसर वाला मामला उनके साथ कर लिया जाए, तो बहरहाल इसकी कुछ गुंजाइश है, कुछ गुंजाइश इसकी इसकी है। लेकिन यह है कि फिर भी इसमें एहतियात जो है वो एहतियात अच्छी है। मतलब बहुत सारे बूढ़े भी जो है वो बूढ़े नहीं होते, मतलब बूढ़े होने के जी बावजूद जो है वो ये मसाइल और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहरहाल ये इस बात बारे में मजीद बंदा क्या बात करे, इस तरह होता है, मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं बाज दफा, तो एहतियात जो है वो अच्छी है। इस मामले में देखें, जी ये जो मामला है ना, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि शरीयत के अंदर कुछ आसानी भी मौजूद है। फिर खास तौर पे जो चेहरे का मामला है, चेहरे का जो पर्दा है, उसके अंदर जो है वो कुछ वैलिड इख्तिलाफ भी मौजूद है, और उसमें दोनों तरह की आरा भी मौजूद हैं, और वो आरा जो है वो बिल्कुल इस तरह गई गुजरी आरा भी नहीं है। यानी कि चेहरे का मामला जो है वो बहरहाल उसमें है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो है, इसमें शक नहीं है। लेकिन हमें इस मसले को जब एड्रेस करें तो उसको अपना जो एक सियाको सबाक, हमारे दौर का जो एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको सामने रखकर हमें इस मसले को एड्रेस करना चाहिए। मतलब आज के दौर में, मतलब एक है कि कोई मसला जो है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किताबों के अंदर कहीं पर लिखा हुआ है, किताबों के अंदर कहीं पर मौजूद है, लेकिन आज के दौर में जब पूरा वेस्ट भी और पूरा लिबरल्स भी और मीडिया भी और तमाम तरह के लोग जो है वो मिलकर जो ये इस्लाम के ये जो अहकाम हैं, पर्दे से मुतल्लिक, फ्री मिक्सिंग के मुतल्लिक, और जो हया का एक जो इस्लाम का तसव्वुर है, ये तमाम के तमाम जब मिलकर उसको जो है वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बाज दफा हम एक वैलिड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कोई और कर रहा हो। तो ये जो है, ये मसाइल बड़ी हिकमत के जो है वो मुतकाजी हैं, कि इंसान जो है वो बड़ी हिकमत के साथ इस मसले के अंदर गुफ्तगू करे, और जो है वो ये इस तरह ना, इस तरह की बात ना करे कि जिसको, जो लोग इन अहकाम के दुश्मन हैं, जो लोग पर्दे के दुश्मन हैं, जो लोग एक मुसलमानों की जो हया है उसके दुश्मन है, वो उसको इस्तेमाल करें। सबक आज के लिए इंशाल्लाह काफी है, जी इंशाल्लाह कल हम सूरत को मुकम्मल कर लेंगे।